तमाम हीलिंग जो है वो यहाँ पर मिलती है। उसके बाद इतने बड़े एरिया से सिर्फ आपको मिलती है यहाँ पर 3 गाड़ियां। अब प्लेयर्स कितने? 8। एक चेटिंग ग्रेड एंड इसी के साथ डिफरेंस क्रिएट करा जा चुका है। प्रिंस का यहाँ पे स्पॉट कर लिया जाएगा। बर्बादी करने के लिए जरूर से आ सकती है। देखिए यहाँ पर जो टेबल टॉप पर थी स्काईलाइट्स, उन्होंने अपना एक प्लेयर गवा दिया। जो टेबल पे सेकंड स्पॉट पर थी वो पूरी टीम ही अबॉलिश यहाँ से कर दी जाती है। गॉडल को यहाँ से मिल गए 2। सुनाई दिए हैं टीम गॉडल को और उसी तरफ बढ़ने की इनकी तरफ से कोशिश हमें देखने को मिल रही है, जहां पे जी गॉड विद हिज यूएमपी मिडरेंज फाइट लेने के तैयार एंड सामने पायरेट को स्पॉट करा नहीं हो रहे, थोड़े बहुत डैमेज यहां पे डील अप करने में कामयाब रहते। नेड को खो रहा है उनके हाथों पे एक नेड, यहां पे पायरेट का नॉक जरूर से कंफर्म कर देगा और नॉक किया भी जाता है, लेकिन पीछे पे ध्यान रखना है कि वॉर भी यहाँ से रोटेट करते हुए आ रहा है और पीछे पे एक सरप्राइज अटैक के रूप में साबित आ सकते हैं। वॉर आते हैं सरप्राइज के साथ, नियो का कंफर्म यहाँ पे कर लिया जाता है, फिनिश यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाता है। टीम फॉर लाइक 3 फेस के साथ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए अब जोनाथन एचपी कितने कम एचपी पे, यहाँ पे सर्वाइव करते हुए हील अप करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, बट दूसरी तरफ वॉर अभी भी जीवित है और सरप्राइज अभी भी बाकी है। देखिए वॉर के फ्लैंक्स अच्छे हैं, मुझे ये फ्लैंक अच्छा लगा, जो फ्लैंकर को फ्लैंक डालकर काउंटर करा है ना जो वॉर ने, वो इनकी टीम के लिए थोड़ा सा फायदा देके जा सकता है। वो टाइम बाय कर दे देगा जितनी देर में पायलट को रिवाइवल मिल सकता है, बट इतनी देर में घातक ने सप्रेस करना शुरू कर दिया, नॉक निकाल दिया, जोनाथन बैक क्लियर कर रहे हैं ना, दिस इज समथिंग। ये है मुश्किल पार्ट, आपने अपने एक ऐसे प्लेयर को बोल दिया कि आप हेड टू हेड फाइट लो, बैक क्लियर करने का फ्लैंकर का जो काउंटर है वो यहाँ पर जोनाथन डील कर रहे हैं। जी गॉड हेड टू हेड की फाइट ले रहे हैं, ग्रेनेड यहाँ पे किए जाएंगे, डॉन अभी तक के लिए अपने घुटनों पर आ चुके हैं, वॉर बीइंग द लास्ट मैन, अब तीनों गॉडल के बचे हुए प्लेयर्स अकेले उस फ्लैंकर की ओर चढ़ना चाहेंगे। बट मैं ये देखना चाहूंगा कि वॉर नाम का ये खिलाड़ी जो टॉप रैंकर लिस्ट में भी था, क्या यहां से क्लच निकाल के जा सकता है? शायद नहीं। नाम सामने कौन है? जोनाथन। 3 प्लेयर्स यहां पर अभी तक के लिए गॉडल के बचे हैं एंड जबरदस्त फिनिशेस आ चुके हैं। ट्रेड में एक प्लेयर गवा दिया, 7 फिनिशेस गॉडल के पास एंड ये टीम अब यहां से ऑल इन अटैक ही करने वाली है, कुछ ज्यादा चांसेस नहीं। आज उन्होंने बड़े अच्छे क्लचेस दिखाया, बट सामने जब जोनाथन आ जाते हैं वो पूरी टीम को अकेले डाउन करने का दम रखते हैं। उधर गॉडल के एंड रैकनिंग की टीम यहां से बहुत ही स्ट्रांग कमबैक कर देगी। ब्रॉड टू द अदर साइड फॉर लाइक दिस, लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस दे आर हैविंग, 10 फिनिशेस टीम के पास है। ये 2 बचे हुए खिलाड़ियों ने केबिन स्पोर्ट्स पर दावा बोल दिया, पूरी टीम वहां से एलिमिनेट कर दी जाती है जोन के अंदर। एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर मोदी। देखिए जोनाथन का वो स्प्रेज हमें देखने को मिल रहा है विद अ 6 टाइम्स एंड M416, एक परफेक्ट डेडली कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रही है। नाम एक सिर्फ पिक्सल दिख रहा है जोनाथन को और वो पिक्सल परफेक्ट कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा, बट दूसरी तरफ AKOP का भी कंफर्मेशन यहां पे जोनाथन जरूर से क्रिएट कर देंगे। TSM FTX अभी के लिए रोटेट करना चाहती है एंड व्हीकल लेते हुए वही रोटेशन कंफर्म करती हुई हमें नजर आ जाएगी। एंड दूसरी तरफ एक टीम कहने के 6 फिनिशेस पूरे गेम पे निकाल पाती, ये तो लगातार से लगातार अकेले निकालते हुए जा रहे, बट दूसरी तरफ टीम रीपर एक्स एक बहुत ही बेहतरीन स्थान पे ओपन में स्पॉट कर लिया जाएगा TSM के प्लेयर्स को। 7 सोलो फिनिशेस यहां पर गॉडल जोनाथन के नाम, ऐसा लग रहा है कि अब्रार और जोनाथन एक अलग ही रेस में है कि ज्यादा सोलो फिनिशेस जाएंगे किसके पास। ऊपर खड़े हुए जोड़िया को भी स्पॉट करा, ADS खोला वो भी नॉक। हर जो प्लेयर जोनाथन के आज रडार में आएगा, हर जो प्लेयर यहां पर जोनाथन के स्कोपिंग करने के बाद उनके फेस में आएगा वो यहां से आज नॉकआउट होने वाला है। दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है उन टीम्स के लिए जो यहां पर आज जोनाथन और घाता के सामने खड़े होने वाले हैं। नंबर इक्वेशन कुछ भी नहीं है गॉडल के पास, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, बट लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस दिस टीम इज कैरिंग। स्टार्टिंग से ही यहां पर फिनिशेस को एम करती हुई पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि एक अकेली ऐसी टीम है जो टॉप 10 में भी नहीं है, फिर भी भंडार लगा रखा है फिनिश पॉइंट्स का। इजाफा जोनाथन को रिवाइवल नहीं मिल पाएगा, बट दैट शो दैट कैमियो वाज सो वेरी गुड, सो इंटरेस्टिंग, दिस माइट बी द एंड फॉर गॉडल, बट लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस, दे आर इन टॉप 5 विद 14 फिनिश पॉइंट्स। वेल कल के मेरा